नटराज निकेतन संस्था इनकी पहल से तथा मैत्री परिवार संस्था संविद इंटरनेशनल वाटर शॉपी वर्ल्ड वाइड हल्दीराम चैरिटेबल ट्रस्ट और अमर स्वरूप फाउंडेशन इनके सहयोग से भारत के राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष वृक्षरोपण महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान मुकुंद पात्रीकर द्वारा दी गई। इस उत्सव का आयोजन देश के कई शहरों में किया जाएगा और पूरे भारत में 300 से अधिक समाज सेवी संगठन इस कार्य की सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह 3 जून को सुबह 9 बजे चंद्रपुर में श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रीड़ा संकुल बाईपास रोड जुनोना चौक चंद्रपुर और शाम 5 बजे नागपुर में डॉक्टर पंजाब राव कृषि विद्यापीठ ढाबा अमरावती रोड नागपुर में आयोजित किया गया है और 9 जुलाई को भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में बरगद के पेड़ का महत्व असाधारण है। बरगद के पेड़ से जुड़ी प्राचीन समय की सत्यवान सावित्री की कहानी लोक प्रचलित है। प्राचीन समय में भी महिलाओं को वृक्षों का शास्त्रीय ज्ञान था, इस बात से ये सिद्ध होता है और इसी के चलते वट सावित्री पूर्णिमा के पावन पर्व पर वट वृक्ष वृक्षारोपण महोत्सव समारोह का उद्घाटन होने जा रहा है। सेक्रेटरी नटराज निकेतन संस्था येत्या 3 जून 2023 रोजी आणि 9 जुलै 2023 रोजी आपण नटराज निकेतन संस्थेकडनं प्लांटेशन फेस्टिवल ह्या सिरीजची सुरुवात करतो आहोत। या प्लांटेशन फेस्टिवलमध्ये पहिल्यांदा आपण बनेअँट्री प्लांटेशन फेस्टिवल यावर्षी आपण घेतो आहोत आणि दरवर्षी फायकस प्रजातीच्या एकेका झाडांचं आपण लागवड करून त्याचं प्लांटेशन करून एक एक स्टेप आपण समोर जाणार आहोत। वडाच्या झाडाचं आध्यात्मिक शास्त्रीय वैज्ञानिक आणि आयुर्वेदिक असे अनेक बेनिफिट्स आहेत, व्यावसायिक महत्त्व आहे आणि अशा झाडांचं महत्त्व ज्यांना आपल्या देशामध्ये महत्त्व आहे अशा झाडांचं महत्त्व सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचावं हा एक उद्देश आहे। आणि वडाचं झाड किंवा फायकस प्रजातीचं झाड आपण याकरता घेतो आहे कारण हा जो पाण्याचा प्रॉब्लेम दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे हा प्लांटेशनशिवाय सॉल्व होणार नाही आहे आणि प्लांटेशन जर आपण केलं तर भविष्यात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रॉब्लेमला आपण सॉल्व करणार आहोत म्हणून हे उचललेलं पाऊल आहे। तर 9 जुलै 2023 हा पूर्ण भारतभर हा फेस्टिवल घेतला जाणार आहे। ज्या लोकांना या फेस्टिवलमध्ये सहयोग द्यायचा आहे त्यांनी नटराज निकेतन संस्था आणि त्यांचा जो नंबर आहे ठीक आहे 9049111633 या नंबरवर संपर्क साधून तुम्ही आपलं प्लांटेशनमध्ये आपलं नाव रोल करू शकता। 9 जुलैला आपण हजारो वृक्ष लागवड करणार आहोत आणि ही हजारो वृक्ष लागवड तुमच्या सगळ्यांच्या सहयोगाने आपण करणार आहोत, त्याच्यामुळे आपण सगळ्यांनी यावं। 3 जूनला उद्घाटन कार्यक्रम आहे ठीक आहे, त्यामुळे सगळ्यांनी उद्घाटनाला नागपूरमधील पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचा जो परिसर आहे दाभा या ठिकाणचा तिथे उद्घाटन आहे आणि चंद्रपूरमध्ये श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इथे याचं उद्घाटन। बरगद के पेड़ का शास्त्रीय नाम फाइकस बेंगालेसिस है। आधुनिक शब्दों में कहा जाए तो बरगद का पेड़ एक प्राकृतिक वेंटिलेटर है जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। हम सभी कोरोना के दौर में ऑक्सीजन की अहमियत को समझ चुके हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की जड़ें जल को शुद्ध कर जमीन में संचित करता है, प्राकृतिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता है। औषधीय महत्व के साथ आध्यात्मिक वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक महत्व रखने वाले बरगद के पेड़ की महत्ता एक बार फिर सभी तक पहुंचेगी और इसी सोच से महोत्सव का आयोजन किया गया है। वट वृक्ष वृक्षारोपण महोत्सव के इस श्रृंखला में 9 जुलाई को भव्य वृक्षारोपण महोत्सव का देश भर में आयोजन किया गया है। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोहोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।